बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर का वीज़ा बहुत आसान है, इसलिए कह रही हूँ कि इससे आसान वो क्या करें। देखें, अगर हम कुछ खुद कोई ब्लंडर कर दें, गलती बहुत बड़ी कर दें, तो वो तो हमारी गलती है। लेकिन कतर के वीज़ा के लिए कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ चाहिए भी, अच्छा मतलब कुछ चीज़ें चाहिए। देखें, एक तो आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट कितने अरसे के लिए वैलिडिटी कहते हैं उतने अरसे के लिए वैलिड हो, माने एक्सपायर ना हो जाए उस अरसे में जितना वो कहते हैं। एक आपके पास डेबिट कार्ड होना है, मुझसे उन्होंने कतर में नहीं मांगा था लेकिन डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे देखा था उन्होंने। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में इसलिए नहीं कह रही कि ज़रा मैं सूद से, बहुत सूद के साए से भी मैं ज़रा दूर भागती हूँ, क्योंकि मरना भी एक दिन, और सूद की बहुत ही खौफनाक सज़ा मरने के बाद। यहाँ तो सूद खाते हैं सब और बड़े शरीफ बने बैठे होते हैं। अच्छा, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है। इतने पैसे हों आपके पास वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपसे मुझसे भी पूछा था, लेकिन वहाँ पूछते हैं नहीं, उनकी मर्जी होती है। तो इतने डॉलर्स ये वो लेके जाएं कि मतलब आपके जितने दिन के लिए जा रहे हो उतना कम से कम ये तो हो कि गुजारा हो जाएगा। ये नहीं ना कि मतलब ऐसा तो नहीं आप हो सकते कि आप 500 पाकिस्तानी रुपये लेके चल पड़ेंगे कि नहीं है भाई सही चल जाएगा। तो टिकट आपका रिटर्न होना चाहिए, वन वे मत लेके जाइएगा, वन वे पे वो वापस भेज देंगे। रिटर्न टिकट हो, भले दो अलग एयरलाइन से जा रहे हो कि जहाँ किसी और एयरलाइन से रहे हो वहाँ तो दोनों टिकट होने चाहिए आपके पास, जाहिर है। तो रिटर्न टिकट हो, वन वे पे वो वापस कर देंगे। मैंने एयरलाइन वाले से पूछा था इसीलिए बता रही हूँ, अपनी तरफ से मैं यहाँ पे नहीं जारी कर रही, लेकिन आपको जिसकी बात पे यकीन है उस पर अमल देख लें किस पर करना है। अच्छा, आप क्या क्या हो गया, एक डेबिट कार्ड हो गया आपके पास, ठीक है, रिटर्न टिकट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, पोलियो वैक्सीनेशन ओरिजिनल कार्ड एक्सपायर हुआ वही लेके जाइएगा, वो बार बार देख रहे थे, ठीक है। कहाँ पे देख रहे थे, वहाँ देखा, और यहाँ नहीं, बार बार वो नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे बार बार होटल की रिजर्वेशन। अच्छा, आप ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, होटल रिजर्वेशन अगर पे नहीं हुई भी मसला नहीं है, बस वहीं ठहर रहे हैं ना आप किस नियत से जा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता अच्छी नियत से जाए। देखें, पासपोर्ट जितने अरसे के लिए उन्हें वैलिड चाहिए होता वो चेक कर लिया, उतने अरसे की वैलिडिटी हो आपकी, ठीक है। मैं तो आमतौर पर 6 महीने का मार्जिन रखती हूँ, लेकिन हर कंट्री का अलग होता है। कतर का एग्जैक्टली अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोलियो कार्ड ओरिजिनल एक्सपायर हुआ वाली, टिकट रिटर्न हो, होटल रिजर्वेशन पे नहीं भी हो तो चलेगा, मेरी भी पेड नहीं थी। अब मैं कहूँ नहीं पे करके ले जाइए, वो कभी कभी हमारे एयरपोर्ट पर पता नहीं क्या, अच्छा अब मैं क्या बोलूँ, पागल वाली हरकत है, अब मैं नहीं बोलना चाह रही कुछ उस पर। खैर, तो होटल रिजर्वेशन हो लेकिन वो प्रॉपर बनी हुई हो कि आप के नाम पे और जैसे आपको जहाँ जाना है वो क्या होता है। अच्छा, वीज़ा फीस नहीं है अभी नहीं है, बाद में नहीं कहिए मुझे कि भाई कहिएगा कि ये तो कहा था कि नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है वीज़ा फीस कतर की, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा और इसकी फ़ीस वो नहीं ले रहे, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से, मगर टिकट में ही टिकट महंगा होता है, तो डिपेंड करता है कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन की लाजमी आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पासपोर्ट पे लगाते हैं एक स्टिकर, वहाँ कतर की बात कर रही हूँ, स्टिकर लगाते हैं, एक स्टिकर, वीज़ा नहीं कह रही मैं, एक स्टिकर होता है सफ़ेद कलर का, वो लगाते हैं और उस पर लिखा हुआ होता है कि उन्होंने आपको कितने दिन का वीज़ा दिया है। अगर आप 2 दिन के लिए ठहर रहे हैं तो उस पर लिखा होगा कि उन्होंने कितने दिन के लिए अलाउ किया, ठीक है, आपकी होटल रिजर्वेशन वहाँ देखते हैं। अगर वो आपसे बार बार ब्लू कार्ड कह रहे हो तो हो सकता है वो कतरी लहजे में पोलियो कार्ड ही मांग रहा हो, ठीक है। तो ये अब क्या क्या हो गया, रिटर्न टिकट हो गया, पैसे इतने होने चाहिए कि जितने में आपका गुजारा हो सही प्रॉपर अमाउंट वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही 4-5 लाख ये सब बकवास है, अगर कोई मतलब मुझे नहीं पता अगर वो ये कह रहा है तो मुझे नहीं पता क्यों कह रहा है, मुझे नहीं पता अगर कोई कह रहा है ऐसे या नहीं, तो ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो मतलब वो लगे। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू हुई है पाकिस्तान में जो मुझे बहुत बुरी लगी है, यानी मुझे उसकी तुक समझ नहीं आई कि इन लोगों ने क्यों स्टार्ट किया है, पाकिस्तानी यहाँ पे ये शुरू कर दिया है कि आप किसी मुल्क अगर जा रहे हो ना तो आपके पास 100 US डॉलर हो एक रात के। इसमें कोई सेंस है यार इस बात में, मुझे तो समझ नहीं आता कि अकल के पीछे हम कौन सी लट लेके दौड़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में कितना रेट हो गया डॉलर का, ठीक है, 100 डॉलर 10,000 नहीं होते अब, ठीक है, कभी तो 6,000 नहीं नहीं वो तो खैर 60 डॉलर से ज़्यादा। अच्छा खैर, 100 डॉलर अब 10,000 नहीं रहे, 11,000 नहीं होते 100 डॉलर, 12,000 नहीं होते, 13,000 नहीं होते, 14,000 नहीं होते, 100 डॉलर अब बहुत है पाकिस्तानी करेंसी में। अब वो ये शोशा नहीं यहाँ छूट गया है कि अगर आप कहीं एक रात, फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि मैं इधर उनसे बोलूँ मैं एक रात के लिए जा रही हूँ तो मुझसे कह सकते हैं 100 डॉलर दिखाओ, अगर मैं कहूँ 2 रात के लिए तो आपसे कह सकते हैं 200 US डॉलर दिखाओ। ये बात
मुझे इतना अफसोस हुआ ये सुन के कि भाई कुछ मुल्क ऐसे होते हैं वहाँ आपका इतना खर्चा होता ही नहीं है। आपने होटल भले ले भी लिया हो तो अगर आपने सस्ता होटल लिया हो तो आपका क्यों इतना खर्च होगा। और इतना बड़े मतलब मैं कोई ऐसे करोड़पति नहीं, इतना कौन पैसे फेंक रहा होता है कि रोज़ाना जो है 15-15 हज़ार खर्च कर रहा हो या 17-17 हज़ार खर्च कर रहा हो। अब होते हैं लोग, अगर आपने इतनी महंगी चीज़ें लेनी हो आपको शौक है, मुझे तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है तो वो अलग बात है। लेकिन अब ये है कि अब फ़र्ज़ करें आप कतर 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास $200 होने चाहिए क्योंकि वो एयरपोर्ट पर पूछ सकते हैं। ये मुझे तो शोशा बिल्कुल नहीं समझ आया और मैं इसके बहुत मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस हरकत का क्या मकसद है। ठीक है, यहाँ की बात करी पाकिस्तान की, ठीक है, और कतर में तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके कितने पैसे हैं या कैसे गुजारा होगा, लेकिन मैं यहाँ का बता रही हूँ। ठीक है, पैसे हो गए, पासपोर्ट हो गया, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और आपके पास टिकट रिटर्न टिकट हो गया और होटल रिजर्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। NIC तो कोई नहीं मांगा था, तो डेबिट कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए और ये यही है। अब तो फिलहाल और फीस नहीं है, सबसे बड़ी बात माशाल्लाह से फीस नहीं है उसकी, और आपकी रिजर्वेशन के हिसाब से वो आपको वीज़ा देते हैं। तो ये है, बस अच्छी नीयत से जाएं जहाँ भी जाएं और कोशिश ये करें कि दुनिया में अगर आप कुछ देखना चाहते भी हैं तो उससे पहले आप अगर आप पे इस्लामी शराइत जो हैं या उस पर आप हज पे पूरा उतरते हैं यानी आप पे फ़र्ज़ है हज, तो पहले हज कर लें क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में और मौत के फरिश्ते कभी भी आ सकते हैं। तो आप हज करें ज़रूर, हज से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, हम पे फ़र्ज़ है वो। अगर आप पे इस्तात और जो भी उसकी कंडीशंस पे आप पूरा उतरते हैं तो हज ज़रूर करें, सबसे पहले वही करें अगर कर सकते हैं, उम्रे की कोशिश करें तो ठीक है। तो अगर आपको ये इसमें कोई काम की बात लगी मेरी वीडियो में तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।